फाल है उर्दू अदब के हवाले से, जिनमें जो सबसे बड़ा नाम है उर्दू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया का है, जनाब अशरफ शाद और शब्बीर हैदर साहब के ज़ेर सदारत वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी काम कर रही है। तकरीबन साल में 2-3 मुशायरों का इनका होता है, हर महीने अपनी नशस्त बाकायदगी से होती है वहाँ पर, और हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि हमारी जो उर्दू पाकिस्तानी और जो उर्दू कम्युनिटी है वो उर्दू से उसका ताल्लुक जुड़ा रहे। और थोड़े से मसाइल पैदा होते हैं ऑडियंस के, जो कि तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में यही हाल है कि लिसनर्स बहुत कम है शायरी के हवाले से भी, और जब उर्दू अदब पे होता है कोई भी प्रोग्राम तो इस हवाले से सिर्फ ये मसाइल होते हैं। लेकिन इसके अलावा ये है कि काफ़ी मतलब मुझे रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इस हवाले से। इसके अलावा सिडनी में एक कूचा सकाफत के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी ड्रामा और थिएटर पे काम कर रहे हैं वो लोग, जनाब जावेद नज़र कर रहे हैं वो काम। तो उसमें भी ये है कि वो हमारी उज़्मा गिलानी आपा उनके साथ वो भी काम कर रही हैं उसमें, तो इस लिहाज से वो भी बहुत अच्छा उनका एक एफर्ट है उसके उर्दू अदब के और ड्रामा निकालने के हवाले से। इसके अलावा वहाँ पर रेडियो SBS में जनाब रेहान अली साहब हैं, वो उर्दू के काफ़ी प्रोग्राम्स का इनेकाद करते रहते हैं वहाँ पर, वो शायरी का भी और उर्दू नसर के हवाले से भी। तो ये न्यू साउथ वेल्स यानी सिडनी में ये काम हो रहा है। इसके अलावा एक हमारी रियासत है साउथ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर एक जैसे जो शहर है एडिलेड, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर फाल है, और उसका नाम है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया लिटरेरी फोरम। जनाब अफसल रिजवी साहब हैं वहाँ पर जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां हैं, और उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया उर्दू स्कूल्स का बाकायदा क़याम किया है, और वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, और इस साल से बाकायदा उसकी क्लासेस का भी आगाज़ हो गया है। और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पर भी उर्दू लैंग्वेज के हवाले से वो 4-5 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बाकायदा उर्दू लैंग्वेज की तालीम दी जा रही है। ये भी उनकी ख्वाहिशों का नतीजा है कि वहाँ पर बाकायदा उर्दू की तालीम बच्चों को दी जा रही है, जो उर्दू स्पीकिंग बच्चे हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्ट हैं इस हवाले से कि वो अब बोल सकते हैं, वरना वहाँ ये मसाइल पैदा हो गए थे कि बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बिल्कुल सब उर्दू ज़बान से बिल्कुल ना बजते थे। जी, ये सब हो रहा है।